और हम लोग आगे हैं जी नैन्सी दीदी के यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। तो हमें जहाँ तक मालूम है कि अमित भाई का जो है फंक्शन वहाँ होने वाला है, और कोशिश करेंगे कि मम्मी जो है अगर आई है 20-25 साल बाद दिल्ली, तो दिल्ली का जो है जो जो चीज घूमने लायक है मम्मी को जरूर घुमाएंगे। अभी आईब्रो वगैरह भी हमने कुछ नहीं करवाया, तो थोड़ा देर में हम पार्लर भी चलेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो आपने हमको देखा होगा कई बार जब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने बेटे के साथ, तो आज हम अपना ब्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं अपने भांजे के साथ। और गन्नू का यह जो एक स्पेशल कुर्सी है, कहीं भी जाता है गन्नू अपनी इस कुर्सी को लेकर के जाता है, जैसे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, बैठ गया, देखिए बैठ के दिखा दिया आपको। ये अपना चेयर लेकर के जो है जगह जगह जाता है रूम में, और वहां जाकर के आराम से बैठ जाता है। इसका सिंहासन है यह गन्नू, एक बार हम बैठ जाए इस पे। मैं बैठ जाऊँ? बैठ जाओ, आ जाओ गन्नू, तुम इससे आ जाओ, आ जाओ, हम बैठ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। आ जाओ, नहीं नहीं उठेगा ही नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस। और हम लोग आगे हैं जी नैन्सी दीदी के यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। तो यहाँ पर हमारा ओड़ी, इसको आपने कई बार देखा होगा, इधर हमारा भांजे लाल, येलो येलो लड्डू, इधर लड्डू है। और बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से ओड़ी। तो मम्मी जो है दूसरे रूम में चली गई है इसके डर से, मम्मी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, बोलती है मां प्रणाम करें जो है दूर। हम लोगों को भी डर लगता था, लेकिन अब जो है डर खत्म हो गया, कोई बात नहीं। और फिलहाल यहाँ से आपको हम नजारा दिखाते हैं, बाहर है बहुत ही अच्छा मौसम, और नीचे है स्विमिंग पूल जो कि अभी बंद है, और पार्क जिसमें भी गंदा पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। हां, अमित भाई का घर उस साइड है जो पीछे वाली सोसाइटी दिख रही है, इसके पीछे, इस घर के पीछे जाइए, दिखाइए जहाँ पर फंक्शन होने वाला है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और यहाँ क्रिया सपना लगा हुआ है टीवी देखने में, और मम्मी जो है और दोनों दादी मिलकर के जो है देख रही है क्रियांश को। एक चीज अच्छा हुआ कि मौसम जो है थोड़ा सा ठीक हो रहा है, ऐसे ही मौसम रहा तो क्रियांश के लिए भी अच्छा रहेगा, क्रियांश की दादी के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि घूमने फिरने में जो है थोड़ी प्रॉब्लम कम आएगी। और जानते हैं जी, यह ठंड के टाइम में सर्दी जुकाम ये सब पीछा छोड़ता है नहीं जल्दी। तो हमें जहाँ तक मालूम है कि अमित भाई का जो है फंक्शन वहाँ होने वाला है, और वहाँ पे पता है हम लोग ड्रोन चलाना सीखे थे आपने, है ना? तो ड्रोन चलाना हम तो यही सीखे थे, पहले ये पूरा प्रॉपर खेत हुआ करता था, पहले जब आए थे 6 महीने पहले। तो वो भाई साहब जो है जो यहाँ पर खोले, उन्होंने बताया था कि फार्म हाउस खोलने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन लगता है सजेशन में रखा, मतलब बताया था कि दो में से कुछ एक खोलेंगे। हाँ, तो उन्होंने फाइनली अपना खोल लिया यह। और अमित भाई का घर है उस साइड, वो देख रहे सामने वाली बिल्डिंग, तो हम लोग जो है वहाँ भी जाएंगे मिलने के लिए। और अच्छी बात है ना, यहाँ से रास्ता हो गया, हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। पहले हम लोग वहाँ देख रहे मेन रोड, उधर से हम लोग जाते थे तो पहुँचते पहुँचते लगभग 15-20 मिनट लग जाता था, और अब जो है यहाँ से भी एक रास्ता मिल गया जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। जिनका ये खुला हुआ है उनका तो नंबर भी होगा ना आपके पास? हाँ, नंबर होगा। ड्रोन का फुटेज हमसे मांगा था वो। बस खाली लेना है दुनिया भर का, देखो ना जमा करेगा सब, खाना नहीं है लेना। गन्नू तू भी लेके आ, गन्नू ये अपना देख रहा है, कार्टून देख रहा है। गन्नू गन्नू देखो भाई क्या खा रहा है। गतिक ए गतिक, कोई मतलब नहीं कार्टून के आगे, तो सभी लोग आ गए अंदर। भाई दोनों खाएगा ही, दोनों खाएगा तुम। जय दोनों, ये होला जाना सीखिया है। देखो नहीं नहीं करके अच्छा, ना शायद उसको नहीं देना है खाना, शायद ये बोल रहा है ना, ये नहीं करता है उसको, मतलब हमको मतलब ये नहीं करता है। अच्छा, नहीं सब लोग जिसको जो लेना ये खाया लेते छीनियो लेते बात अलग। अच्छा, कुछ नहीं समेट के फिर रखेगा कटोरी में, फिर नाप तो लेकर चले।
खुश है एकदम जी ले लगा रहा है ते 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 या वाह 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 भाई भाई आ गया भाई और या नहीं भूखे चले अब नो हो पता नहीं की हो जो पैरे उठे देखो देखो भाई आया भाई आया देखो भाई आया वाह 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 तो पहुंच गए जी नैन्सी दीदी की यहाँ और दोनों बहनों का जो है मुलाकात हो गया। तो माँ जो है अपने भाई से मुलाकात की और भाई से मुलाकात करने के बाद जो है अब आ गई अपने बहन के पास। यहाँ पर जो दोनों भाई है इन लोगों का भी अपना अच्छा मुलाकात हो गया है और तो है अपने बेटी के पास लेकिन वहाँ बहन भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये दोनों भाई भी एकदम ऐसे लग रहा है कि कितना पहले से एक दूसरे को जानता है। ये देखिए लगा हुआ है भाई के पास भी जो गए थे। मेरा मायके तो नहीं है, जहाँ भाई भतीजा रहता वही मायके, उसी तरह जहाँ बहन रही है वही उसका भाई। सही बात है जी। तो यहाँ पर जो है अब सभी लोग जो है यहाँ पर अच्छा खासा समय बिताएंगे और कोशिश करेंगे कि मम्मी जो है अगर आई है 20-25 साल बाद दिल्ली तो दिल्ली का जो है जो जो चीज घूमने लायक है मम्मी को जरूर घुमाएंगे। तो हमारे यहाँ पर खाना लग गया है जी। यहाँ लग गया है चावल दाल और ये अचार जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने के साथ मैं अचार लेता ही लेता हूँ। तो मेरा तो खाना हो गया, नहीं मेरा खाना तो शुरू हो रहा है, लड्डू का खाना बस ख़त्म ही होने वाला है। देखो तो ऐसा है स्थिति। और क्रियांश जी उधर सो चुका है, उसका हो गया है मालिश और साथ में गतिक भी शायद सो ही गया है। तो सभी लोग अब सो गए हैं तो घर में अभी आपको थोड़ा सा शांति नज़र आ रहा होगा, वरना एनी टाइम जो है यहाँ पर चहल पहल लगा ही रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्रियांश सो गया है और धूप इतनी अच्छी आ रही है ना इधर से, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्रियांश जो है फर्स्ट टाइम मुझे लगता है धूप में सोया है। क्रियांश को ना धूप उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जब भी धूप में आता है तो आँखें बंद कर लेता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ये धूप में सोया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ खा रही हूँ खाना धूप में, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ठंड है, उतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है, लेकिन घर में मम्मी से भी बात हुआ तो बोल रही हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे लगता है यहाँ भी ठंड है, लेकिन हम लोग रूम के अंदर है ना, धूप निकली है तो उतना पता नहीं चल रहा है। अभी आईब्रो वगैरह भी हमने कुछ नहीं करवाया, तो थोड़ा देर में हम पार्लर भी चलेंगे यही बगल के सोसाइटी में जो पार्लर है, कम से कम आईब्रो तो बनवा लें। बिना आईब्रो का अगर किसी भी लड़की को मतलब जो भी लड़की आईब्रो बनाती है और उसका आईब्रो बढ़ जाता है तो उसका खुद का फेस ही उससे अच्छा नहीं लगे, चाहे उसके घर में सभी कोई बोले कि अच्छा लग रहा है। जैसे कि मेरे घर में मैं बोलती हूँ ना इनको कि मेरा आईब्रो बढ़ गया, बोलते कोई बात नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा। और अभी पार्टी वगैरह भी है तो बहुत लोग बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन मुझे कम से कम आईब्रो अपना बनवाना है। तो पहले खाना खाते हैं फिर चलेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सब लोग खाना खा रहे हैं। बिल्कुल हमारे खाने का जो है पार्टनर चेंज हो गया, पहले लड्डू था वो कैमरा था हमारे और उसके बाद यहाँ पर है नैन्सी दीदी और मम्मी और सब लोग मिलकर के जो है एक चीज देख रहे हैं जो कि है हम ही लोगों का ब्लॉग, जो कि हम ही लोगों का ब्लॉग है। ये वही टी शर्ट है तो वहाँ जो उसमें है जो उसमें है बोल बोल दिया मेरा मोई मोई मेरा नाती जिसका नाम लड्डू है, जो बेटा जो है लगभग 3-4 बेटा हमको है, 3-4 एक भतीजा 3 बेटा। अभी वर्तमान में जो मेरा 3 बेटा है किसले किसले ये रोज नहाता है, इन दोनों का मिला। A few moments later. तो खाना पीना हो गया जी और शाम में जो हम लोग कहीं निकलेंगे भी घूमने के लिए। तो इस ब्लॉग को जो यहीं तक खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं माँ जो यहाँ पर आई है और माँ के साथ यहाँ ब्लॉग जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। सभी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे भांजा भी है। तो ऐसा करते हैं जी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अरे
आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें। बस बस बस, तो हमेशा बोलता हम लोग सभी भाई बहन यहाँ खड़े हैं, तो क्या था हम दोनों बहन कहाँ गए उसमें से? नहीं तो सभी लोग आ गए इसमें, भाई बहन बोले तो तुम लोग भी भाई बहन समझ लो अपने आप को। इसलिए वो हमको नहीं लिया, इसलिए हम वीडियो में नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास सब्जी ज्यादा है चावल कम है। तो कुछ ऐसा ही हाल है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।